गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था याद है आपको? कुछ बहुत कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं अपने अभी तक, बराबर है ना? बट जितना भी पढ़ा है चलो 2 मिनट में अपन रिवाइज करने की कोशिश करते, चलेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रेशियो? सब लोग आंसर दोगे हैं बच्चों? रेशियो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज विच आर ऑफ सेम टाइप एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। वापस एक बार बताओ, कुछ लोग थोड़ा अभी बात करना चालू किए। हाँ बोलो। रेशियो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज विच आर ऑफ सेम टाइप एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, याद है बच्चों? Generally, ratio is expressed in its simplest form. Very good. All the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number without changing the meaning of that ratio. अब तुम 10:20 को right 50:100 बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों टर्म को अपने 5 से मल्टीप्लाई कैसे बोला जाएगा? Yes or no? तुमने अगर 50:70 को 5:7 बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को 10 से डिवाइड कर दिया तो दैट रेशियो हैज रिमेन्ड सेम, यू कैन से। डू यू एग्री? यस और नो? फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज, इफ एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट इट इज सेड टू बी अ रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, इफ एंटीसीडेंट इज लेस देन कॉन्सिक्वेंट रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, इफ एंटीसीडेंट इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट रेशियो ऑफ इक्वालिटी, याद है बच्चों? What is the duplicate ratio of a is to b? A square is to b square. What is triplicate ratio of a is to b? A cube is to b cube. What is sub duplicate ratio of a is to b? Under root a is to under root b. मतलब ही a का power 1/2 is to b का power 1/2. Power 1/2 हुआ मतलब square root. Power 1/m हुआ मतलब mth root. Power m 1/m हुआ मतलब mth root. Power 1/9 है मतलब 9th root. Power 1/13 है मतलब 13th root. समझा बच्चों? What is sub triplicate ratio of a is to b? Cube root of a is to cube root of b. मतलब a का power 1/3 is to b का power 1/3 is the sub triplicate ratio of a is to b. And what is the inverse ratio of a is to b? B is to a. If we interchange the position of antecedent and consequent, we get inverse ratio. All the ratios are unit free. True or false? Ratios are unit free. Quantity in a particular ratio has to be expressed with a unit of measurement. But ratio can be expressed without unit of measurement. Ratio can be expressed without unit of measurement. इसलिए ratios are unit free. Ratios are unit free. चलो फिर यहां तक अपन निकल सीखा था, yes or no? तो ये पॉइंट नंबर 23 ऑनवर्ड्स आज कंटिन्यू करेंगे, चलेगा बच्चों? ये डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट का ये टेबल है, इसमें से सब रिवाइज हो जाता है क्या? हो जाता है क्या? ओके। अब और एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसका नाम है कंपाउंडेड रेशियो। क्या नाम है? कंपाउंडेड रेशियो और रेशियो कंपाउंडेड, कंपाउंडेड रेशियो और रेशियो कंपाउंडेड। क्या बोल रहा है? कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:3 एक रेशियो है, x is to y दूसरा रेशियो है, m is to n तीसरा रेशियो है, p is to q चौथा रेशियो है, e is to f पांचवा रेशियो है, इज। ये पांच रेशियो का कंपाउंडेड रेशियो पूछा है। क्या पूछा है? कंपाउंडेड रेशियो। देखो मैं आंसर लिखते ही आपको समझेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कंपाउंडेड रेशियो है 2xmpe इज टू 3ynqf। समझा क्या आपको है? तो क्या है कंपाउंडेड रेशियो? प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस। लिखो फिर, इट इज कंपाउंडेड रेशियो मतलब क्या होता है बताओ फिर? प्रोडक्ट ऑफ बोलो ऑल एंटीसीडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू बोलो प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस। सही है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस इज अ कंपाउंडेड रेशियो। सही है बच्चों? तो व्हाट इज अ कंपाउंडेड रेशियो ऑफ ए इज टू बी एंड सी इज टू डी?
एसी इज टू बीडी. क्या बोला, मैं समझ रहा है क्या? व्हाट इज कंपाउंडेड रेशियो ऑफ ए इज टू बी एंड सी इज टू डी? का आंसर क्या है? एसी इज टू बीडी इज अ कंपाउंडेड रेशियो. याद रहेगा बच्चों. चलो अगला एक क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो. चलो कितने रेशियो दिए, 1, 2, 3, 4, 5 रेशियो है, सही है क्या बच्चों? तो बोलो कंपाउंडेड रेशियो क्या रहेगा, कंपाउंडेड रेशियो बोलो. सबसे पहले तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स बताओ. 3 × 8 × 5 × 22 × 14 एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस 7 × 3 × 11 × 5 × 17. अब ऐसे प्रोडक्ट करके आप लिख सकते हो, बट वैसे कुछ जो कॉमन है वो कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म आ सकता है ना. तो ये 5 कैंसिल, 3 कैंसिल, 11 × 2 = 22, सही है बच्चों? 7 × 2 = 14, सही है क्या बच्चों? बताओ क्या बचा न्यूमरेटर में, 32 है क्या वो, है या नहीं बच्चों? इतना ही बचा ना, डिवाइड बाय क्या बचा, 17. तो टेल मी इसका आंसर 32 × 17 है क्या? जो भी इसका आंसर है ये सिंपलेस्ट फॉर्म 32 × 17 है क्या मेरे भाई? यस और नो? तो कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट. चलो एक काम करो, यहां पे एक दो चार लाइन बचे हैं ना, लिखो और एक क्वेश्चन. कंपाउंडेड रेशियो, फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, कोई क्वेश्चन मैंने ऐसे ऐड कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं ना आपको कुछ. फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 5:8 कॉमा 16:125 कॉमा 7:13 कॉमा 51:42 कॉमा a:b. करोगे बच्चों कंप्लीट? कितने रेशो है ये टोटल? 5. और ये 5 रेशो का कंपाउंडेड रेशो चाहिए मुझे, चलेगा क्या? ये एडिशनल क्वेश्चन है, आप आंसर खुद फाइंड करोगे बच्चों आंसर, एंड आप मुझे आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में बताओगे बच्चों. किस फॉर्म में बताओगे? सिंपलेस्ट फॉर्म. तो कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस. प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस. तो बोलो आप कंपाउंडेड रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो बोलो मेरे भाई, इज इट 5 × 16 × 7 × 51 × a डिवाइडेड बाय, जल्दी बताओ, 8 × 125 × 13 × 42 × b. बताओ जो कैंसिल हो सकता है उतना कर लो. यस टेल मी, ये 7 कट करके ये 7 × 6 = 42 ऐसे कर दूं, सही है बच्चों? ये 8 × 2 = 16 चलता है कैसे? ये 2 कट करके इसको 3 लिख दूं मैं, ये 3 कट करके इसको 17 लिख दूं, चलेगा क्या बताओ? ये 5 कट कर देता हूं इसको 25 लिख देता हूं, डू यू एग्री? बताओ न्यूमरेटर में क्या बचा है, 17a, एंड डिनोमिनेटर में क्या बचा है बता दो, 25 × 13 कितना था ये, 325b. तो इसका फाइनल आंसर 17a = 325b ऐसे लिख सकते हो आप, इज अ कंपाउंडेड रेशियो. कोई डाउट रहा तो पूछो भाई, कितने लोगों को समझाइए, कितने लोग समझाए बताया करो, हाथ ऊपर करना मतलब बताना कि भाई मुझे समझाए, ठीक है? यस, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस इज अ कंपाउंडेड रेशियो. चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, बोलो यस सर नो सर कुछ. चलो कंपाउंडेड रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो ऑब्वियसली प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस.
मैं यहां पे और एक बार लिखता हूं आपको, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस इज द कंपाउंडेड रेशियो. कितने रेशियो दिए यहां पे, एक दो तीन चार पांच छह सात रेशियो है, सही है बेटा? बोलो आप मुझे प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स बताओ बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स बताओ मेरे भाई. 8 इंटू 39 इंटू 25 इंटू 27 इंटू 30 इंटू 16 इंटू 50 इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स. प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस बताओ क्या है. हां बोलो, 13 इंटू 5 इंटू 18 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 2. अब अभी इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट करके बाद में लिखना, बाद में सिंप्लीफाई करना, ये भी हो सकता है, बट इट इज बेटर टू कैंसिल राइट नाउ ओनली ना. पहले प्रोडक्ट करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बाद में राइट सबको 2 से डिवाइड करो 7 से, उससे तो बेटर यहां पे कैंसिल करना है ना, है या नहीं? तो 8 8 कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है बोलो, ये 15 इंटू 2 30 एंड ये 30 कैंसिल, डू यू एग्री? ये 5 इंटू 5 25 एंड ये 25 कैंसिल, डू यू एग्री? देन दिस इज 13 थ्री जा 39, देन 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, ये 2 कट करके इसको 8 कर सकते हैं हम लोग. डिनोमिनेटर में सब गया ना, तो क्या बचा है न्यूमरेटर में बताओ एक बार. 3 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1, क्या आंसर है? 3600 डिवाइडेड बाय 1, तो कंपाउंडेड रेशियो इज 3600 इज टू 1, कंपाउंडेड रेशियो इज 3600 इज टू 1. तो कंपाउंडेड रेशियो का मीनिंग समझा बच्चों? पक्का? क्या होता है कंपाउंडेड रेशियो? प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस इज अ कंपाउंडेड रेशियो. कर दो ये पे चेंज, 25 डन. नेक्स्ट, फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, अब सुनो अच्छे से, पहले क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं, ध्यान दो सब लोग, ध्यान देंगे. फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, क्या क्वेश्चन बोला है बोलो? कंपाउंडेड रेशियो ऑफ बोलो, 5:7 कॉमा 14:3 कॉमा 9:2 कॉमा 6:15 कॉमा 25:4, समझा क्या बताओ कैसे? डुप्लीकेट रेशियो 5:2, तो 25:4 इज अ डुप्लीकेट. अरे 5:2 का डुप्लीकेट मेरे भाई, राइट, दोनों का स्क्वायर. उसके बाद में ट्रिप्लीकेट ऑफ 4:5 64:125, सब डुप्लीकेट ऑफ 25:49 5:7, सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 343:64 7:4, इनवर्स ऑफ 2:9 9:2, डुप्लीकेट ऑफ 3:2 9:4, समझा क्या बच्चों? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेशो दिए उन्होंने, एंड इन सबका कंपाउंडेड रेशो फाइंड करना है. बट पिछले एक दो क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्टली दिया था ये रेशोज, अब यहां पे थोड़ा सा ट्रिक ही दिया है, बराबर है कि नहीं? मतलब कुछ रेशो डायरेक्ट दिए, कुछ बोला कि भाई इसका डुप्लीकेट, इसका ट्रिप्लीकेट, इसका सब डुप्लीकेट, इन सबका कंपाउंडेड करना है. कितने लोगों को यहां तक समझा है? ये जो मैंने लिखे इन सबका आपको क्या चाहिए? कंपाउंडेड रेशो. तो बोलो इन सबका कंपाउंडेड रेशो मतलब कैसे आएगा, क्या करूं मैं, क्या लिखूं बोलो ना? प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस, वापस वही, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस इज अ कंपाउंडेड रेशियो. वैसे यहां आपको कुछ लोग मुझे बाद में बहुत इनिशियल स्टेज में ऐसे डाउट पूछते कि सर ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा क्या, क्या करना? एग्जाम अपना एमसीक्यू है मेरे भाई, तुम कहां लिखते हो क्या लिखते हो कोई लेना देना नहीं, समझ रहा है क्या ये? बट क्लास में फिर भी अपन बहुत सिस्टमेटिकली सॉल्व करते हैं. इसका रीजन ये है कि अपना एग्जाम कल परसों नहीं है, है या नहीं? अपने को ये याद रखने के लिए अपने पास एक अच्छे नोट्स चाहिए कि नहीं? तो चलो बोलो प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स बताओ.
5 × 14 × 9 × 6 × 25 × 64 × 5 × 7 × 9 × 9 सही है, डिवाइडेड बाय 7 × 3 × 2 × 15 × 4 × 125 × 7 × 4 × 2 × 4। बस इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लाना कोई बड़ी बात है क्या? अभी आप कर रहे हो सॉल्व खुद। चलो सबसे पहले तो ये 7 7 कैंसिल, उसके बाद में डायरेक्ट कैंसिल होने लायक क्या है? चलो 7 × 2 = 14 है और ये 14 कैंसिल, सही है। उसके बाद में 4 × 4 × 4 = 64 एंड ये 64 कैंसिल। उसके बाद ये 25 × 5 = 125, ये 125 कैंसिल, सही है भाई। उसके बाद में 5 × 6 = 30 एंड ये 15 × 2 = 30, ये भी कैंसिल। एंड ये 3 × 3 = 9, सही है भाई। मेरे ख्याल से डिनोमिनेटर में सब कैंसल्ड है, क्या बचा उतना बता दो अभी। 9 × 3 × 9 इतना ही बचा है ना, तो 9 × 3 × 9 कितना आता है? 243 डिवाइडेड बाय 1, तो फाइनल आंसर ऑफ दिस इज 243 is to 1। टफ है भाई ये, 243 is to 1 इज द कंपाउंडेड रेशियो और नॉट, यस और नो? तो क्या होता है कंपाउंडेड रेशियो बताओ? प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस इज अ कंपाउंडेड रेशियो। प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस। चलो नेक्स्ट, ये सबको समझा बच्चों। थोड़ा पार्टिसिपेट रहो, अपना लेक्चर को भी ऐसा कुछ 5 घंटे का तो है नहीं कि आपको बोर होगा, और ये हार्डली कुछ अपना कुछ ज्यादा ज्यादा 90 मिनट्स, वो भी अभी तो उससे भी कम है फिलहाल तो, है ना? बोर हो रहा है क्या? ये क्या सीए में आके फंस गए ऐसा लग रहा है क्या, या ऐसा लग रहा है कुछ फील आ रहा है सीए फाउंडेशन में फालतू में आ गए यार? ऐसा लग रहा है तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज में हो, सोच सकते हो आप, है कि नहीं? बात जितना आगे बढ़ेगी उतनी तकलीफ होगी, फिर हर जगह यही रूल अप्लीकेबल है, समझा क्या? इनिशियल स्टेज में इट्स इजियर, है ये ना भाई? बाद में क्या अटैचमेंट हो जाएगा, वापस जाना मुश्किल हो जाएगा ना सीए के साथ भाई। मैं अब क्या समझ रहे हो पता नहीं। क्या करना है एग्जैक्टली? करना है कंटिन्यू या नहीं? अपने को करना है ना सीए? यस। अगर बहुत कुछ लग रहा है कि भाई ये बहुत ही कुछ तो है, ये है वो है, तो देख लेना बीकॉम कर लेना, और क्या। चलो पॉइंट नंबर 27 कंटिन्यू करें। फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ 125 to 343। क्वेश्चन समझ रहा है आपको? फाइंड डुप्लीकेट ऑफ सब ट्रिप्लीकेट ऑफ इनवर्स, तो आप बताओ क्वेश्चन क्या बोल। मैं यहां पे क्लास में इसलिए थोड़ा डेप्थ में लिख के देता हूं, ध्यान दे रहे हो बच्चों? क्वेश्चन क्या पूछा है बोलो? डुप्लीकेट बोलो रेशियो ऑफ बोलो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 343 is to 125। नहीं समझा आपको ये? आपको लगा ऐसा इनवर्स क्यों नहीं लिखा आपने? मैंने कर दिया ना इनवर्स, यस और नो? क्या आंसर है 343 is to 125? कितने लोगों को समझाया तक? पक्का? अब बताओ वेदर दिस इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, हां बोलो 7 is to 5। सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 343 is to 125 मैंने ऑप्टेन ही कर लिया ना भाई, यस और नो? एंड फाइनली डुप्लीकेट ऑफ 7 is to 5 आंसर इज 49 is to 25। ये आंसर है फिर 49 is to 25। समझ रहा है? हाँ भाई, टेंशन में क्या कुछ?
कहाँ से हो तुम? कुछ प्रॉब्लम है क्या भाई? ऐसा नाराज लग रहे हो, कुछ याद आ रही किसी? चलो 49:25 आंसर. नेक्स्ट, फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:5. इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, बोलो, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:5. टेल मी, इज इट 8:125? डू यू एग्री? लास्ट में जो ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:5 था उतना तो मैंने सॉल्व ही कर लिया. अब बताओ वेदर इट इज इनवर्स रेशियो ऑफ, इनवर्स रेशियो ऑफ 8 का स्क्वायर कितना है? 64, एंड 125 का स्क्वायर इज 15,625. तो वेदर फाइनल आंसर इज 15,625:64. सही है मेरे भाई? 15,625:64 इज द फाइनल आंसर. टफ था ये? देखो कुछ लोगों का मैथ्स अच्छा रहेगा, आई अग्री, ओके, बट हम क्लास उनके एंगल से ले रहे हैं जिसको बहुत बेसिक से भी इश्यूज है, समझ रहा है क्या? उस चक्कर में जो लोग थोड़े एडवांस रहेंगे उनको लगेगा कि भाई क्या ये सिखा रहे, बट आपका कुछ नुकसान नहीं होगा बच्चों, आपके लेवल के क्वेश्चंस आते रहते हैं यहाँ पे, समझ रहे क्या आप? अपन बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक सब करेंगे, तो थोड़ा सा और बेसिक पढ़ा तो जिनका मैथ्स अच्छा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. और अच्छा खराब, वो तो अच्छा है खराब है कौन जानता है, ये तो आप खुद डिसाइड कर रहे हो कि अच्छा है करके, किसको पता है कि अच्छा है या नहीं, है या नहीं. चलो नेक्स्ट करेंगे सॉल्व अगला क्वेश्चन. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आंसर दिया करो भाई. चलो बोलो क्या आंसर है इसका. डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ, इनवर्स रेशियो ऑफ, बोलो सब डुप्लीकेट ऑफ दिस इज 25:15. डू यू एग्री? यस और नो? तो क्या क्वेश्चन है बोलो ये. डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 15:25. तो आंसर इज 225:625. या इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैन बी 9:25. दोनों को 25 से डिवाइड किया मैंने, सही है क्या? फाइनल आंसर को कुछ नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा बस, 9:25. डू यू एग्री? डू यू एग्री? वैसे आपको शायद समझता होगा ट्रिक, अब डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट ये दोनों नलीफाई हो गया, एक बार स्क्वेयर रूट हुआ उसी का स्क्वेयर हुआ बाद में, अपन उधर ही पहुंच गए फाइनली, समझा होगा ना आपको ये? यस और नो? एनीवे चलो, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, ये 29 क्वेश्चन डन क्या फिर? फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ 10:3. क्या बोल रहा है ये बोलो? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, बोलो 3:10. डू यू एग्री? नेक्स्ट, हां बोलो बच्चों. डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, हां बोलो, सब ट्रिप्लीकेट है वो, सब ट्रिप्लीकेट, क्यूब रूट ऑफ 3:10. क्यूब रूट ऑफ 10, सही है बच्चों? एंड ये जो भी है इसका डुप्लीकेट पता करना है, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 2, बोलो, क्यूब रूट ऑफ 10 का स्क्वायर, ये आंसर है. वैसे इसको सिंप्लीफाई और ऐसे लिख सकते हैं क्या, सुन रहे हो क्या? एक मिनट, क्यूब रूट ऑफ 3 मतलब 3 का पावर 1/3 का पावर 2, एंड दिस इज 10 का पावर 1/3 का पावर 2. डू यू एग्री? तो क्या आ रहा है आंसर बताओ? 3 का पावर 2/3 इज टू
10 का पावर 2 बाय 3 इज आंसर। सही है बच्चों? तो ऑब्वियसली आपको मैंने कल भी बताया था, बट यहां पे मैं बॉक्स में कुछ रूल्स बताता हूं जो अपन ऑलरेडी स्कूल में पढ़े, बट आपको पता है क्या, चेक करना है एक बार। ध्यान है क्या बच्चों? तो यहां पे मैं लिखता हूं प्लीज नोट, क्या लिख रहा हूं, प्लीज नोट, ये रूल आपको पता है क्या बता दो भाई। ए का पावर एम ब्रैकेट का पावर एन इज ए का पावर एम एन, डू यू एग्री? लेट से ए का पावर एम ब्रैकेट का पावर पी और ये ब्रैकेट का पावर क्यू इज ए का पावर एम पी क्यू, डू यू एग्री? ए का पावर वन बाय एम इज एम द रूट ऑफ ए, पता है क्या आपको? ए का पावर वन बाय एम इज एम द रूट ऑफ ए, डू यू एग्री? एंड शायद आपको ये भी पता रहेगा, देखो है क्या, ए का पावर माइनस एम इज वन अपॉन ए का पावर एम, तो टू का पावर माइनस फाइव रहेगा तो इट इज वन अपॉन टू का पावर फाइव, टू का पावर माइनस एट रहेगा तो इट इज वन अपॉन टू का पावर एट। बहुत बेसिक बेसिक रूल से आपको पता होना चाहिए, ठीक है? एंड पता नहीं है तो कोई इशू नहीं है, अब पता कर लो, बट कम से कम अब कर लो, ठीक है? तो ये ए का पावर एम ब्रैकेट का पावर एन इज ए का पावर एम एन, ए का पावर एम ब्रैकेट का पावर पी ब्रैकेट का पावर क्यू इज ए का पावर एम पी क्यू, वन अपॉन ए का पावर एम इज एम टू रूट ऑफ ए, एंड ए का पावर माइनस एम इज इक्वल टू वन अपॉन ए का पावर एम। सही है भाई? ओके, अगला क्वेश्चन, फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ 8:11। करे सॉल्व बच्चों, आप बोलो क्या क्वेश्चन है। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 11:8, डू यू एग्री? नेक्स्ट, हां बोलो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, बोलो बोलो, इज इट स्क्वेयर रूट ऑफ 11 इज टू स्क्वेयर रूट ऑफ 8, या तो 11 का पावर 1 बाय 2 लिखा तो भी चलता है, बराबर है बच्चों? अब बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, बोलो ना बच्चों। सब ट्रिप्लीकेट मतलब इज इट अंडर रूट 11 का पावर 1 बाय 3 इज टू अंडर रूट 8 का पावर 1 बाय 3, डू यू एग्री? तो बताओ ये 11 का स्क्वेयर रूट था, मतलब वाज इट 11 का पावर 1 बाय 2 का पावर 1 बाय 3, एंड ये क्या था बोलो, 8 का पावर, बोलो 1 बाय 2 का पावर 1 बाय 3, तो टेल मी इज इट 11 का पावर 1 बाय 6 इज टू 8 का पावर 1 बाय 6, डू यू एग्री? तुम इसको सिंप्लीफाई ऐसे और थोड़ा कर सकते हो, ध्यान दे रहे हो यहां पे, यहां तक कुछ क्लैरिटी है क्या बच्चों? अच्छा, ये 11 का पावर 1 बाय 6 को चलो अपन एज इट इज रखते रखेंगे क्या, एंड ये 8 जो है ना ये 2 का पावर 3 है, इसका पावर 1 बाय 6 नहीं, समझा आपको? तो टेल मी कैन द आंसर बी, बोलो 11 का पावर 1 बाय 6 इज टू 2 का पावर 3 इंटू 1 बाय 6 इज हाउ मच, बोलो, डू यू एग्री? तो इसका फाइनल आंसर अगर मैंने ऐसे लिखा तो आपको प्रॉब्लम है क्या? 6 द रूट ऑफ 11 इज टू स्क्वेयर रूट ऑफ 2, चलेगा क्या बताओ? चलेगा क्या बताओ? अरे 11 का पावर 1 बाय 6 आया ना फाइनली, 11 का पावर 1 बाय 6 मतलब 6 रूट ऑफ 11, एंड 2 का पावर 1 बाय 2 मतलब स्क्वेयर रूट ऑफ 2, कितने लोगों को समझाइए पूरा पक्का? नेक्स्ट, फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी, फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी, मेरे ख्याल से बेसिक क्वेश्चन है अभी, तो बताओ आंसर। बी का पावर 6 इज टू ए का पावर 6, सही है? दिस इज इनवर्स रेशियो ऑफ, बोलो भाई, डुप्लीकेट
रेशो ऑफ, बोलो, डुप्लीकेट रेशो ऑफ, ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी इज ए क्यूब इज टू बी क्यूब. तो टेल मी इज इट इनवर्स रेशो ऑफ ए का पावर 6 इज टू बी का पावर 6. ए क्यूब का स्क्वायर मतलब ए का पावर 3 × 2 = 6 हुआ. तो फाइनल आंसर इज बी का पावर 6 इज टू ए का पावर 6 इज द फाइनल आंसर. सही है भाई, बी का पावर 6 इज टू ए का पावर 6 इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 8 is to 35. आंसर इज 8 is to 35. नहीं समझा आपको कैसे? पहले सब डुप्लीकेट ऑफ 8 is to 35 मतलब उसका स्क्वायर रूट होगा एंड बाद में उसका स्क्वायर होगा. तो वापस यही पहुंच गए तुम लोग. डू यू एग्री? इसमें तो कोई डाउट नहीं था ना? तो बताओ डुप्लीकेट रेशियो, तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 13 is to 18 इज 13 is to 18. सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ m is to n इज. आपको समझ रहा है क्या सब कुछ ये? या ऐसे ही अभी बस सेम लिख रहे हो? क्या हो रहा है पहले समझा क्या? स्क्वेयर रूट करके स्क्वेयर हुआ वापस उधर ही पहुंचा, या स्क्वेयर करके बाद में स्क्वेयर रूट किया तो भी उधर ही पहुंचोगे ना. नेक्स्ट, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ a is to b. सब ट्रिप्लीकेट ऑफ p is to q इज p is to q. इनवर्स रेशियो ऑफ 35 is to 88 इज 35 is to 88. तो शायद समझा रहेगा आपको ये कुछ केसेस में. अल्टीमेट आपने को लग रहा है कि कुछ तो चेंज होने वाला है बट चेंज हुआ ही नहीं, इफेक्ट नलीफाई हुआ उसका. यस और नो? डुप्लीकेट का सब डुप्लीकेट, इट इज जस्ट लाइक फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन, फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन, डुप्लीकेट का सब डुप्लीकेट. तो वापस उधर ही पहुंचे तुम, या सब डुप्लीकेट ऑफ डुप्लीकेट, अगेन इट्स वन एंड द सेम. तो डन माय फ्रेंड्स, डन और नॉट? चलो करोगे अगला क्वेश्चन सॉल्व. फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ m is to n. तो इनवर्स रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, बोलो, m का पावर 1/3 is to n का पावर 1/3. डू यू एग्री? तो इज इक्वल टू, बोलो, इनवर्स रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, बोलो मेरे भाई, m का पावर 1/9 is to n का पावर 1/9. कितने लोगों को समझाए? m का पावर 1/3 था, उसका पावर 1/3 हुआ ना अभी, और एक बार सब ट्रिप्लीकेट, तो 1/9 हुआ ये. अब बताओ, इट इज इनवर्स रेशियो ऑफ, इनवर्स रेशियो ऑफ m का पावर 2/9 is to n का पावर 2/9. कैसे? m का पावर 1/9 का स्क्वायर, तो 1/9 × 2 = 2/9. फाइनल आंसर इज n का पावर 2/9 is to m का पावर 2/9. सही है क्या भाई? पक्का? अच्छा, मैंने आंसर को ऐसे लिखा तो चलता है क्या? बताओ आप, नाइन्थ रूट ऑफ n स्क्वेयर इज टू नाइन्थ रूट ऑफ m स्क्वेयर, ऐसे लिखा तो चलता है क्या? बताओ कैसे? अब बताओ, ये m n का पावर 2/9 था ना बच्चों, तो ये n का पावर 1/9 का पावर 2 है इज टू m का पावर 1/9 का पावर 2 है. या आप ऐसे कर दो, इट इज n का पावर 2 का पावर 1/9 एंड m का पावर 2 का पावर 1/9. नहीं समझा आपको? तो n स्क्वायर का पावर 1/9 है ना बच्चों, मतलब n स्क्वायर का 9th रूट इज टू m स्क्वायर का 9th रूट. कितने लोगों को ये समझा? n स्क्वायर का पावर 1/9 इज टू m स्क्वायर का पावर 1/9. अरे 2 × 1/9 2/9 है ही ना ये, समझता है क्या?
अब आप ये मत, ये तो बोलो ही मत कि सर कहां तक आपने सॉल्व करना है, वो तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिए, करेक्ट है, रिस्क क्या है, तुम ये आंसर लाओगे, ऑप्शन में ये रहेगा एंड तुम नाना दीज को टिक करके आओगे। नहीं समझा आपको, आर यू गेटिंग दिस? आपको लगेगा ये तो है ही नहीं, तो कभी कभी लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज होता है, तो आपको लगेगा नहीं नहीं यार मैंने लाया हुआ आंसर तो है ही नहीं। समझा क्या आपको? तो आप करेक्ट आंसर लाके भी आपने ऑप्शन गलत टिक कर दिया ना यार, जस्ट आप देख नहीं पाए बराबर हो। नेक्स्ट, फाइंड कंपाउंडेड रेशियो, करो कंप्लीट। 16:11 कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है? कंपाउंडेड रेशियो प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस। कंपाउंडेड रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स, क्या है बोलो, 8 × 6 × 5 × 48 एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस 3 × 11 × 16 × 15। सही है भाई? तो क्या कैंसिल हो रहा है, इतना कर दो, ये 16 × 3 = 48 एंड ये 48 कैंसिल है या नहीं है, यस और नो? देन हां बोलो, 5 × 3 = 15, ये 3 × 2 = 6, और कुछ है नहीं, तो आंसर इज 16:11 इज अ कंपाउंडेड रेशियो, 16:11 एग्रीड? मैं कुछ बहुत डिफिकल्ट चीजें पढ़ा रहा हूं क्या? फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ a:b एंड a:b, a² = b² तो मैं ऐसा बोलना सही रहेगा क्या? सुनो, तो a:b को a:b खुद के साथ ही कंपाउंड किया ना यहां पे, तो कहना है इफ अ रेशियो इज कंपाउंडेड विथ इटसेल्फ वी गेट इट्स डुप्लीकेट रेशियो, इफ अ रेशियो इज कंपाउंडेड विथ इटसेल्फ वी गेट इट्स डुप्लीकेट रेशियो। तो आप बताओ, एक प्लीज नोट के नीचे एक सेंटेंस लिखा है, पढ़ रहे हो क्या आप? इफ अ रेशियो इज कंपाउंडेड विथ इटसेल्फ रिजल्ट इज इट्स डुप्लीकेट रेशियो, लिखो आप, रिजल्ट इज इट्स आंसर दो, डुप्लीकेट रेशियो। अच्छा, ये ऐसे रट्टा मार के याद करना रहता है क्या अपने को? बस कुछ भी रट्टा, इसलिए तो पेपर का पैटर्न एमसीक्यू है ना मेरे भाई। पहले वो लोग मैथ्स, जब डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करता था, लोग मैथ्स में भी रट्टा मार के याद करके जाते थे, समझ रहा है क्या? इसलिए इंस्टीट्यूट को लगता है कि ये एटलीस्ट मैथ जैसे पेपर में कोई स्टूडेंट ऐसे रट्टा मार के आए, आंसर ही याद करके आए, ऐसा कुछ करके आए, तो उसको वो गलत है, इसलिए उन्होंने पेपर का पैटर्न एमसीक्यू किया है जो आपको करेक्टली इवैल्यूएट करता है एकदम। तो इफ अ रेशियो इज कंपाउंडेड इज इटसेल्फ, इफ अ रेशियो इज कंपाउंडेड विथ इटसेल्फ इट इज कॉल्ड एज डुप्लीकेट रेशियो। अच्छा बताओ, व्हाट इज द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ a² × b² a³ × b³। तो नीचे प्लीज नोट में दूसरा सेंटेंस पढ़ो, इफ अ रेशियो इज कंपाउंडेड विथ इट्स डुप्लीकेट रेशियो वी गेट इट्स ट्रिप्लीकेट रेशियो, वी गेट इट्स ट्रिप्लीकेट रेशियो। डू यू एग्री? इफ अ रेशियो इज कंपाउंडेड विथ इट्स डुप्लीकेट रेशियो वी गेट इट्स ट्रिप्लीकेट रेशियो। डू यू एग्री माई फ्रेंड्स, यस और नो? ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 8:11 and 11:8? 88:88 विच इज इक्वल टू 1:1। तो बताओ, इफ अ रेशियो इज कंपाउंडेड विथ इट्स इनवर्स रेशियो रिजल्ट इज रेशियो ऑफ इक्वालिटी, रिजल्ट इज रेशियो ऑफ इक्वालिटी। सही है भाई? इफ अ रेशियो इज कंपाउंडेड विथ इट्स इनवर्स रेशियो रिजल्ट इज रेशियो ऑफ इक्वालिटी। आई होप दिस क्लियर टू एवरीवन। समझा बच्चों? रेशियो कंपाउंडेड विथ इटसेल्फ, ओके, इज इट्स डुप्लीकेट रेशियो। इफ अ रेशियो इज कंपाउंडेड विथ इट्स डुप्लीकेट रेशियो रिजल्ट इज ट्रिप्लीकेट रेशियो एंड इफ अ रेशियो इज कंपाउंडेड विथ इट्स इनवर्स रेशियो रिजल्ट इज रेशियो ऑफ इक्वालिटी। तो ये 37, 38, 39 ये जो तीन पॉइंट थे, यही मैंने नीचे टेक्स्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। आपको समझो, समझे ये तीनों पॉइंट, यस और नो? ओके,
चलो कुछ छोटे मोटे कैलकुलेटर, आपके पास कैलकुलेटर है ना? आई एम श्योर आप बहुत सारी चीजें जानते हो कैलकुलेटर की ऑलरेडी. ओके, एटलीस्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आता है आपको कैलकुलेटर पे? कुछ चीजें मैं सिखा रहा हूं आपको, राइट? आई हो सकता है कि आप ये भी ऑलरेडी जानते हो. ध्यान दे रहे हो बच्चों? ओके, अभी पहला क्वेश्चन क्या है? 64 का स्क्वेयर रूट. तो कुछ कुछ लोग तो इसमें भी प्रॉब्लम, पहले स्क्वेयर रूट का बटन दबाते, फिर 64 का बटन दबाते, फिर इक्वल टू देखते, फिर बोलते कुछ हो ही नहीं रहा है. तो 64 का स्क्वेयर रूट, पहले 64 लेने का और फिर स्क्वेयर रूट का बटन दबाने का. तो कैलसी ऑन करो, 64 ले लो एंड स्क्वेयर रूट का बटन दबाओ, क्या आया? 8. तो 64 का स्क्वेयर रूट 8 है. एंड सुनो ध्यान से, सुनो तो बच्चों, 64 का स्क्वेयर रूट 8 है. आर यू गेटिंग दिस? अच्छा मुझे बताओ 16 का क्या स्क्वेयर रूट है? 16 का 4. तो कैलसी पे 16 ले लो, स्क्वेयर रूट का बटन एक बार दबाओ तो क्या आया? 4. और एक बार स्क्वेयर रूट का बटन दबाओ, 2. तो ये 16 का फोर्थ रूट आया. नहीं समझा आपको ये? तो मुझे समझो, फोर्थ रूट ऑफ 16 पूछा था. सुन रहे हो क्या बच्चों? जिसका आंसर 2 है आप जानते हो ना? अरे 2 का पावर 4 16 है, तो 16 का रूट 2 रहेगा कि नहीं? तो 16 ले लो कैलसी पे, कैलसी ऑन करो, 16 ले लो, स्क्वेयर रूट का बटन दबाओ, और एक बार स्क्वेयर रूट का बटन दबाओ, क्या आया? 2. तो आप बताओ फोर्थ रूट लाने के लिए आपको दो ही बार स्क्वेयर रूट दबाना पड़ा? नहीं समझा आपको ये? तो स्क्वेयर रूट, सुनो ध्यान से बच्चों, क्या हुआ मैं बताता हूं आपको. 16 का फोर्थ रूट पूछा था ना बच्चों, तो आपने क्या किया, पहले तो 16 का स्क्वेयर रूट किया एंड उसका स्क्वेयर रूट किया. समझा क्या मतलब? एज गुड एज 16 का पावर 1/4 हुआ, जो आंसर 2 है. नहीं समझा आपको ये? तो फोर्थ रूट करने के लिए स्क्वेयर रूट का बटन कितनी बार दबाना पड़ता है? 2 बार. तो कोई भी नंबर लिया आपने, सुनो बच्चो, कोई भी एक नंबर लिया, समझो ए, एक नंबर लिया आपने, सुन रहे हो क्या आप, उसका स्क्वेयर रूट लिया मतलब उसका पावर 1/2 हुआ. सुना करो बच्चों प्लीज. अब ये आंसर आया, ये आंसर का स्क्वेयर रूट लिया आपने वापस, मतलब आंसर क्या आया? फोर्थ रूट. कैसे? 1/2 × 1/2. अब ये जो आंसर आया इसका स्क्वेयर रूट लिया आपने, तो आप बता पावर 1/2 × 1/2 × 1/2 हुआ, मतलब 8th रूट हुआ. तो आपने कैलसी पे क्यूब रूट वगैरह फाइंड करने का कोई मेथड ही नहीं है. समझा क्या आपको? नहीं तो कुछ लोगों को लगेगा कि क्यूब रूट फाइंड करना है मतलब स्क्वेयर रूट का बटन 3 बार दबाने का, फिफ्थ रूट चाहिए तो 5 बार दबाने का, ऐसा कुछ नहीं है. समझा क्या? तो आप बताओ, लिसन, अगर मैं कोई भी नंबर एंटर किया एंड स्क्वेयर रूट का बटन, कोई भी नंबर एंटर किया एंड स्क्वेयर रूट का बटन एक बार दबाया, तो व्हाट आई गेट बोलो? सेकंड रूट. क्या मिलता है मुझे? एंड स्क्वेयर रूट का बटन दोबारा दबाया तो क्या मिलता है? फोर्थ रूट. समझा क्या? तीसरी बार दबाया तो 8th रूट, चौथी बार दबाए तो 16th रूट, पांचवी बार दबाए तो 32nd रूट, एंड सिक्स टाइम 64th. एंड आपको समझता है आगे कैसे कंटिन्यू होगा ये? हाँ ठीक है, समझो, 7 times प्रेस कर दिया तो 7 times, चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं 7 times, तो आपको क्या मिलेगा? 128th रूट. यस और नो? तो आप बता, आपने कैलकुलेटर पे क्यूब रूट या फिफ्थ रूट या 9th रूट फाइंड करने का कोई तरीका अभी तक दिखा है क्या आपको? नहीं. वो कैसे फाइंड करते बाद में बताऊंगा मैं आपको, बट यहां तक समझा है क्या कुछ? तो चलो ये लिख के लिया बच्चों आप, तो चलो अगर ये लिख के लिया है तो ये ऊपर के क्वेश्चन के आंसर बताओ मुझे फटाफट, फटाफट कैलकुलेटर पे करके आंसर बताओ. 41 के 5000 का फोर्थ रूट, तो 5000 स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट आंसर इज 8.408964151523. ऐसा कुछ आंसर आया था क्या? ऐसा आंसर आया था क्या? 256 का 8th रूट 2, क्योंकि 2 का पावर 8 256 है इसलिए. समझा बच्चों? हाँ भाई. चलो 20821 का 16th रूट, मतलब 1, 2, 3, 4, 20821 ले लो कैलसी पे, चार बार स्क्वेयर रूट का बटन दबाओ तो क्या आंसर आया? 1.86168564064. डू यू एग्री? नेक्स्ट 85926.30 का 32nd रूट, तो 85926.30 कैलसी पे ले लो एंड 5 बार स्क्वेयर रूट का बटन दबाओ, तो आंसर इज 1.42623615299 इज आंसर. समझा बच्चों?
तो कोई भी नंबर का फोर्थ रूट, एट रूट, इतना तो फाइंड करने आता है आपको। चलो यहां पे मैं और कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप फटाफट आंसर दे देना, चलेगा? 5000 का 64th रूट, 5000 का 64th रूट, 8192, 8192 का 128th रूट, देन 214.6396 का 8th रूट, देन 188936.26 का 16th रूट। यस, करे बच्चों आप कंप्लीट? मैंने कुछ और चार क्वेश्चन दिए, सबका आंसर मुझे चाहिए बच्चों। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर, इज इट 1.14234268838, देन 8192 आंसर इज 1.15298510864, ऐसा कुछ है। नेक्स्ट 214.6396, 1 2 3, 1.95642737635, ऐसा कुछ है क्या? एंड 188936.26, 2.13682869052, whether this is answer? तो कोई भी आपको नंबर दिया, आपको एटलीस्ट कैलकुलेटर पे स्क्वेयर रूट, फोर्थ रूट, एट रूट फाइंड करने आएगा। तो कल जाके 16th रूट पूछा, 32nd रूट पूछा, तो आप कुछ प्रॉब्लम नहीं ना आपको। बट अभी तक आपको क्यूब रूट, अभी कोई नंबर दिया मैंने और बोला फाइंड 10th रूट, तो आपके पास कोई ट्रिक है क्या अभी तक? नहीं, समझा भाई? चलो वो भी सब आएगा, आप ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें आएगी एक एक करके आपके सामने, थोड़ा पेशेंस फुली जाते है या नहीं? ओके, तो ये 42nd पॉइंट डन है बच्चों, डन है क्या? ओके, अब देखो बच्चों ये कैलसी पे एक क्वेश्चन है, यहां पे 1.1085 का पावर 18 है। मतलब एक्चुअली ये ऐसे होगा ना, 1.1085 इंटू 1.1085 इंटू 1.1085 इंटू 1.1085, ऐसे 18 टर्म्स लेना पड़ेगा। बेटा बताओ इतना करते बैठेंगे कैलसी पे अपन? तो क्या करने का बताता हूं मैं आपको, सुन रहे हो क्या? 1.1085 का पावर 18 करना है आपको। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, वो अच्छे से सुनो। टेक 1.1085 ऑन कैलकुलेटर, 1.1085, देन प्रेस इनटू, समझा क्या आपको ये? देन प्रेस इक्वल टू प्रेस करते रहो टिल स्टेप काउंट कम्स 19। अब पावर 18 था ना, तो स्टेप काउंट 19 आने तक करने का। सुनो तो एक मिनट बचो, सुनो अब कैलसी पे ले लो, एक काम करो, ये दो मिनट के लिए क्वेश्चन भूल जाओ, कैलसी पे फाइव ले लो। फाइव लिया क्या आपने? समझो आपको फाइव का स्क्वायर करना है, तो फाइव इंटू फाइव करने की जरूरत नहीं है, फाइव कर लिया क्या आपने, इंटू का बटन दबाओ, अब डायरेक्ट इक्वल टू का बटन दबाओ, देखो स्क्वायर हुआ उसका। नहीं समझा आपको ये? तो फाइव इंटू फाइव हुआ ना, एज गुड एज, सुन रहे हो क्या? एक काम करो कैलसी पे वापस अभी थ्री ले लो, लिया क्या आपने? इंटू इक्वल टू करो, क्या आया? नाइन। अब सिर्फ इक्वल टू का बटन दबाओ, 27, तो ये 3 का पावर 3 है। बट जब 3 का पावर 3 है तो देखो एकदम कैलसी के लेफ्ट साइड में स्टेप काउंट क्या है? 4। मतलब जब क्यूब आता है तो स्टेप काउंट 4 आता है। अब और एक बार इक्वल टू प्रेस करो, ये क्या है? 3 का पावर 4 है, तो स्टेप काउंट क्या है? 5। और एक बार प्रेस करो, ये 3 का पावर 5 है, तो
तो स्टेप काउंट क्या है? 6. तो अगर मुझे 3 का पावर 20 चाहिए रहा तो स्टेप काउंट 21 तक लेके जाओ. यस और नो? तो आप बताओ. यहां पे 1.1085 इनटू किया आपने, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू प्रेस करते जाओ. कब तक? स्टेप काउंट 19 आने तक. तो स्टेप काउंट 19 आया मतलब ये पावर 18 है. देयरफॉर आंसर ऑफ दिस इज 1.1085 का पावर 18 इज इक्वल टू 6.3862005683. वेदर दिस इज द आंसर. चलो 2 का पावर 532 है, एक बार चेक करो आप. प्रेस 2 फिर इनटू करके इक्वल टू कहां तक लाना पड़ेगा? स्टेप काउंट 6 तक लाना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? तो चलो बताओ बच्चों, अभी कुछ क्वेश्चन है नीचे, आप आंसर लाओगे क्या इसका? हाँ चलो बोलो. 1.18632 इनटू करो इक्वल टू कब तक करने का? स्टेप काउंट 66 आने तक करो. ये छोटे मोटे शॉर्टकट अपन पढ़ने से अपना फायदा होगा क्या? कुछ होगा या नहीं होगा? तो स्टेप काउंट 66 तक जाओ और बताओ क्या आंसर है. 66,545.7602712. डू यू एग्री? चलो नेक्स्ट. 1.156321 इनटू करो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू स्टेप काउंट 50 तक करो. इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू स्टेप काउंट 50 तक करो और बताओ क्या आंसर है. 1232.656 96746. नेक्स्ट 2.85 इंटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू स्टेप काउंट 19 तक करो. बोलो क्या आंसर है. 153888965.491 इज आंसर. नेक्स्ट 1.2351 इंटू करो एंड इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू स्टेप काउंट 42 आने तक. था बराबर है, इनटू करके इक्वल टू स्टेप काउंट 42 तक लाओ. आंसर इज 5751.577689.02. टफ था बच्चों ये. नेक्स्ट 1.0096 इनटू करो इक्वल टू कब तक? स्टेप काउंट 94 तक करो. स्टेप काउंट 94 तक करो तो आपको आंसर मिल जाएगा. कर रहे हो क्या सब लोग सॉल्व? तो इसका आंसर इज 2.43158130991. देन 2.2283 इनटू करो इक्वल टू स्टेप काउंट 17 तक. आंसर इज 369.469.475819. नेक्स्ट 3 का पावर 12 इज 3 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 13 तक जाओ. 531441. देन 6 का पावर 8 167 9616. देन 1.2258 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 47 तक करो. आंसर इज 11676.223.0502. सही है भाई? डन क्या? चलो और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करो सॉल्व. 1.18936 का पावर 81 करोगे सॉल्व? करोगे क्या? 1.18936 इनटू करो इक्वल टू इक्वल टू स्टेप काउंट 82 तक.
बोलो क्या आंसर है, 1260026.27639। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे सॉल्व। तो पावर कुछ भी आए तो प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चों अभी, यस और नो हो जाएगा क्या ये? ओके और ये बताओ 2.0693 का पावर 22, 2.0693 इनटू इक्वल टू करो स्टेप काउंट 23 तक, आंसर इज 8873931.47003। डू यू एग्री? तो ये कैलकुलेटर का एकदम बेसिक शॉर्टकट समझा आपको, यस और नो? ये लिख के लिया क्या आपने सब ऊपर का, ऐसे टेक 1.1085 देन प्रेस इनटू देन प्रेस इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू टिल स्टेप काउंट कम्स 18+1 दैट इज 19। लिखा क्या आपने? स्टिल टिल स्टेप काउंट कम्स, बोलो 18+1 दैट इज 19। समझा क्या आपको ये? क्योंकि पावर आपको 18 चाहिए था इसलिए आपको 19 तक लेके जाना पड़ेगा। डन भाई? ओके अब समझो अपने को 17 का फिफ्थ रूट कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों अपने पास अभी जो अपन ने सीखा इसके पहले स्क्वेयर रूट कैलकुलेट करने आता है अपने को, फोर्थ रूट आता है, एट रूट आता है, 16th रूट आता है, बट फिफ्थ रूट करने का कोई शॉर्टकट अभी तक पता है कि अपने को? नहीं। या 17 करके 5 बार स्क्वेयर रूट का बटन दबाए तो आएगा क्या आंसर? 17 करके 5 बार स्क्वेयर रूट का बटन दबाए तो 32nd रूट आएगा, फिफ्थ रूट कहां से आएगा? समझा क्या? तो 17 का फिफ्थ रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? 17 का पावर 1/5, 17 का फिफ्थ रूट मतलब इज एज गुड एज 17 का पावर 1/5। कैन आई से इज एज गुड एज 17 का पावर 0.20? सही है, पावर 1/5 है मतलब क्या है भाई? पॉइंट पावर 0.20 है ना। तो कैन आई से पावर इज इन फ्रैक्शंस हियर? सुस चालू किया क्या तुमने आप? थोड़ा पार्टिसिपेटिव रहो मेरे भाई, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो 17 का पावर 0.20, तो वेदर पावर इज इन फ्रैक्शन। तो अब पावर फ्रैक्शन में रहा तो अब तो पावर फिर भी से 0.20, कल जाके पावर कुछ भी आएगा भाई, 17 का पावर 1.1896, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। समझा क्या? तो वो कैसे सॉल्व करें? अभी तक ये जो ऊपर का था ना, यहां पे एटलीस्ट पावर 25 65 95 28, पावर एक होल नंबर था, तो पावर होल नंबर रहा तो कैसे आंसर लाते मैंने सिखाया आपको। अगर पावर 28 है तो समझो 1.08 का पावर 28 है, तो 1.08 इनटू इक्वल टू स्टेप काउंट 29 तक करो, बात खत्म। समझा क्या? और यहां पे पावर फ्रैक्शन में है तो व्हेन 8, अगर अभी देखो यहां पे मैं राइट हैंड साइड में बताता हूं हाउ टू फाइंड द आंसर ऑफ 8 टू द पावर बी व्हेन बी इज इन फ्रैक्शन, व्हेन बी इज इन फ्रैक्शन। क्या लिखा है पढ़ो जोर से, पढ़ो जरा, हाउ टू फाइंड 8 टू द पावर बी ऑन कैलकुलेटर व्हेन बी इज इन फ्रैक्शन। देखो बच्चों आपको ये बहुत दिनों तक बाद में यूज, अभी आईसीआई ने कुछ ऐसा स्टडी मतलब में नहीं दिया उनके कि ये ऐसे फाइंड करते, ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको, समझ रहा है क्या? राइट, आईसीआई ने ऐसे कुछ भी नहीं लिखा ना, ये चैप्टर में ऐसे उन्होंने लिखा है कि ऐसे कैलकुलेशन करते, वो बोलते भाई जैसे तुम्हें करना है करो, पर आपने को कर दिया आना चाहिए ना फिर। तो हाउ टू फाइंड ए टू द पावर बी का आंसर में पर्टिकुलरली बी फ्रैक्शन में रहा तो उसका पहला स्टेप है एंटर ए कैलकुलेटर में, ए मतलब एक नंबर रहेगा मेरे भाई, नहीं तो बोलेगा नहीं सर मेरे कैलसी पे ए नहीं है, ए टू द पावर बी में एक नंबर रहेगा, बी एक नंबर रहेगा, तो एंटर ए, देन प्रेस स्क्वेयर रूट का बटन 12 टाइम्स, स्क्वेयर रूट का बटन कितनी बार? 12 टाइम्स, डिडक्ट 1, क्वेश्चन कुछ भी रहने दो आपको डिडक्ट 1 ही करना है, डिडक्ट 1, एंटर द नंबर जिसका ए का पावर बी में, एंटर ए, स्क्वेयर रूट 12 टाइम्स, -1, देन मल्टीप्लाई बाय पावर, तो मल्टीप्लाई बाय पावर क्या है यहां पे? बी, पावर बी है ना, मल्टीप्लाई बाय पावर ऐसे लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाय पावर, पावर मतलब इंडेक्स, ए का पावर बी में ए पावर है ना, दैट इज बी, बी से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद में एड वन एड करो, देन
प्रेस इन टू इक्वल टू, अच्छा इन टू करके इक्वल टू 12 टाइम्स नहीं प्रेस करना है, इन टू इक्वल टू, इन टू इक्वल टू, इन टू इक्वल टू, इन टू इक्वल, इन टू इक्वल टू को इनवर्टेड कॉमा दिया मैंने, इन टू करके इक्वल टू बारह बार नहीं, इन टू इक्वल टू, इन टू इक्वल टू, इन टू इक्वल टू एक, इन टू इक्वल टू दो, इन टू इक्वल टू तीन, इन टू इक्वल टू चार, ऐसे 12 तक जाने का। समझा क्या? यस और नो? एंड लास्ट, ऐसा होते ही सी द कैलकुलेटर स्क्रीन, यू विल फाइंड आंसर। सी द कैलकुलेटर स्क्रीन एंड यू विल फाइंड आंसर, यू विल फाइंड आंसर ऑफ ए टू द पावर बी, यू विल फाइंड आंसर ऑफ, बोलो, ए टू द पावर बी। तो हाउ टू फाइंड ए टू द पावर बी ऑन कैलकुलेटर, समझा आपको? हाँ, कैसे? बोलो, एंटर ए, स्क्वेयर रूट 12 टाइम्स, माइनस 1 इंटू पावर प्लस 1 इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। अभी अपने को लगता है ऐसे कि सर क्या ये डिफिकल्ट है ये, आप देखो कोई इसलिए पहले के बैच के बच्चे बोल जाए ऐसे धड़ाधड़ कैलकुलेशन करते बाद में, समझ रहे हैं नहीं? थोड़ा सा बस प्रैक्टिस की बात होती है, समझता है? आगे अभी से डिप्रेशन लेने लग जाओगे तो फिर मुश्किल है, समझता है? तो हाउ टू फाइंड ए टू द पावर बी, बोलो, एंटर ए, स्क्वेयर रूट का बटन 12 टाइम्स, माइनस 1 इंटू पावर प्लस 1 इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। तो अब बताओ बच्चों, 17 का पावर 1/5 है इधर, तो यहां पे ए क्या है इस क्वेश्चन में, देखो ए क्या है 17 एंड बी क्या है 1/5, 1/5 बोलो या 0.520 बोलो, बात तो एक ही है ना। चलो कैलसी पे ले लो 17, चलो जितना आराम से करो, कोई गड़बड़ है नहीं अपने को। 17 लिया, स्क्वेयर रूट का बटन, सुनो बच्चों 12 टाइम्स में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 12 करने से अच्छा क्या करने का, 17 लिया आपने तो स्क्वेयर रूट का बटन ऐसे चार के सेट में दबाओ, 1, 2, 3, 4 कर दो, 1, 2, 3, 4 और एक बार 1, 2, 3, 4 और एक बार 1, 2, 3, 4 मतलब 12 बार हो गया। yes, नहीं समझा आपको? 17 के बाद में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 स्क्वेयर रूट का बटन 12 बार हो गया, माइनस 1 करो, किया क्या? सुनो अब क्या करना है, इंटू पावर मतलब इंटू 1/5 करना है, नहीं समझा आपको? इंटू 1/5 करो या इंटू 0.20 करो, बात एक ही है। अच्छा इंटू 1/5 करना मतलब डिवाइड बाय 5 करना है, तो आपने डिवाइड बाय 5 किया तो भी चलता है, या इंटू 1 डिवाइड बाय 5 करो, इंटू 1 डिवाइड बाय 5 एंड बस वेट करो, मैंने बीच में कहीं इक्वल टू प्रेस करने के लिए कहीं कुछ बोला नहीं आपको, इंटू 1/5 किया क्या आपने? यस और नो? उसके बाद क्या करने का बोलो, एड 1 करो, प्लस 1, प्लस 1 किए क्या आप लोग? मैंने बीच में कहीं बोला था क्या इक्वल टू प्रेस करो? कुछ नहीं। एंड आप बताओ, प्रेस 1, एड 1 किया आपने? एड प्लस 1 करके इक्वल टू दबाने के लिए नहीं बोला मैंने, प्लस 1 करो बस इतना ही बोला मैं, समझा या नहीं? तो अब क्या बोलो, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू बारह बार प्रेस करो, इंटू इक्वल टू 1, इंटू इक्वल टू 2, इंटू इक्वल टू 3, इंटू इक्वल टू 4, इंटू इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बोलो क्या आंसर है? इसका आंसर है 1.7626166858 इज आंसर। समझा क्या? बताओ। बट किसी को लग रहा है नहीं सर ये आंसर करेक्ट है, इसका क्या भरोसा? क्रॉस चेक करते, अगर ये 17 का फिफ्थ रूट है ना बच्चों, तो ये 1.7626166858 का पावर मैंने 5 कर दिया तो आंसर 17 आना चाहिए। तो अब करो ये कैलसी पे, कैलसी ऑन करो, 1.76 ले लो, पूरा टाइप करो, 1.7626166858 इंटू करो, इक्वल टू स्टेप पॉइंट 6 तक जाओ एंड देखो क्लोज 17.01 ऐसे कुछ तो है, बाकी जो है वो राउंडिंग का डिफरेंस है, इट्स वेरी क्लोज टू 17 और नॉट। कितने लोगों को समझाए? तो बता हाउ टू फाइंड ए टू द पावर बी ऑन कैलकुलेटर, याद रहेगा आपको? yes. क्या ट्रिक है उसका? बोलो, एंटर ए, स्क्वेयर रूट 12 टाइम्स, माइनस 1 इंटू पावर प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। सही है बच्चों? चलो मैं यहां पे और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सॉल्व करोगे, करोगे क्या बच्चों? लिखो, 180 का पावर 1.25625 करोगे क्या? 180, ये 44th में ये फर्स्ट क्वेश्चन था समझो, और ये सेकंड क्वेश्चन, कर रहे हो क्या आप? 180 का पावर 1.25625
तो आंसर इज 680.34017548। कितने लोगों को मिला है आंसर? ठीक है, बाकी लोग करो करो कैलकुलेशन करो ठीक से और फिर बताओ। आ रहा क्या आंसर? आया सेम आंसर आया क्या, या कुछ कैलकुलेटर में डिफेक्टिव? कुछ कुछ लोगों की कैल्सी में प्रॉब्लम होगा, वो करेक्ट करते रहेंगे, कैल्सी प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। डन। ओके चलो, एक क्वेश्चन है यहां पे अपन सॉल्व करेंगे बच्चों। 80 का क्यूब रूट मतलब 80 का पावर 1/3 है। चलो बताओ इसका आंसर। 80 आप पूरा प्रोसीजर वाइज बताओ। 80 स्क्वेयर रूट 12 टाइम्स माइनस 1 एंड सुनो बच्चों, इनटू 1/3 करने से अच्छा डायरेक्ट डिवाइड बाय 3 क्या करो। इनटू 1/3 मतलब डायरेक्ट डिवाइड बाय 3 किया तो भी चलता है, या करो इनटू 1/3 कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा क्या? 80 आंसर इज 4.3111 फोर टाइम्स वन है ना, 448146 ऐसा कुछ है। नेक्स्ट 25,180 का पावर 0.70 Tell me whether answer is 1207.4854681 ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। नेक्स्ट 48,125 का पावर 1.20 क्या आंसर है? 41430.295255 डू यू एग्री? नेक्स्ट 28,500 का 10th रूट, तो इज इट 28,500 का पावर 1/10 सही है क्या भाई? तो 28,500 आंसर इज 2.792459197177 एग्री भाई? समझते हो क्या ये? तो ऐसे कैलकुलेशन जम रहे क्या आपको? चलो नेक्स्ट बताओ। 10,000 का 16th रूट, अभी ये अभी जो सिखाया मैंने वो शॉर्टकट की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? अरे 16th रूट है ना, डायरेक्ट आ जाएगा। यस और नो? तो बोलो 10,000 स्क्वायर रूट का बटन 4 बार, क्या आंसर है? 10,000 लिया क्या आपने स्क्वायर रूट का बटन? 1, 2, 3, 4 क्या आंसर है? 1.77827941003 इस 10,000 का 16th रूट। अभी वाले शॉर्टकट से किया तो भी सेम ही आएगा, थोड़ा बहुत राउंडिंग का डिफरेंस होगा लेकिन हम बिल्कुल एकदम सेम टू सेम नहीं रहेगा, बट 1.77 ऐसा तो रहेगा ही, बट आगे कुछ चेंज रह सकता है, थोड़ा बहुत राउंडिंग का डिफरेंस रह सकता है। आप समझ रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? यस। तो कंफर्टेबल विद दिस? ओके, बिफोर वी गो फॉर नेक्स्ट थिंग, ओके मैं आपको ये कैलसी पे आपका एम प्लस एम माइनस कैसे यूज करते हैं वो भी बताता हूं। आपको पता है क्या ये मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस? कितने लोगों को ऑलरेडी पता है? ठीक है, बाकी लोगों को पता नहीं तो उनके लिए बताता हूं।
चलेगा बच्चों, सुन रहे हो क्या? अच्छा सुनो, अभी समझो आपको कैलकुलेशन दिया मैंने एक, 5 × 7 प्लस 8 × 9 प्लस 11 × 16, इसका आंसर फाइंड करना है। सुन रहे हो क्या बच्चों? अब आपको आपको लगता होगा कुछ लोगों को कि कैलसी पे सर 5 × 7 प्लस 8 × 9 ऐसे किया तो चला, ऐसे चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि 5 × 7 का आंसर 30। अगर आपने कैलसी पे ऐसे डायरेक्ट लेफ्ट से राइट से किया ना तो प्रॉब्लम क्या होगा, समझा क्या? अपन पूरा पूरा बोर्ड मास का तो वाटी लगा रहे ना अपन, करेक्ट और नॉट? 5 × 7 किया आपने तो 35 आया, प्लस 8 किया ना तो 35 में 8 ऐड होगा, एंड फिर 35 में 8 ऐड होगा 43 आएगा, उसको 9 से मल्टीप्लाई होगा, प्रॉब्लम होगा ना फिर? तो ऐसे लेफ्ट से राइट तो नहीं कर सकते अपन, करेक्ट है? फिर दूसरा उपाय क्या है, 5 × 7 का आंसर लिखो, 8 × 9 का आंसर लिखो, 11 × 16 का आंसर लिखो, फिर वो तीन नंबर ऐड करो, इसमें टाइम पास ज्यादा हो रहा है। अब यहां पे तो फिर भी ठीक है, बट ये नंबर फ्रैक्शन में रहते तो और भी टफ होता कि नहीं है? तो आपको क्या करना है बताता हूं मैं, ओके? आपके कैलकुलेटर पे एक फंक्शन है एम प्लस, ये जो एम प्लस लिखा है इसको आज के बाद अपन पढ़ेंगे मेमोरी प्लस, उसके ऊपर एम माइनस लिखा है वो है मेमोरी माइनस, एंड एम आर सी है, एम आर सी मतलब इट इज मेमोरी रिकॉल एंड मेमोरी कैंसल्ड, मेमोरी रिकॉल एंड मेमोरी कैंसल्ड, मतलब पहली बार प्रेस किया तो मेमोरी रिकॉल होता है, डबल प्रेस किया तो मेमोरी कैंसल रहता है, समझ आया आपको ये? तो एक काम करो, कैलसी ऑन करो पहले, तो आपके कैलकुलेटर के स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड में फुल ब्लैंक है या एम ऐसे कुछ दिख रहा है? एम ऐसे कुछ दिख रहा है क्या? तो दिख रहा है तो एमआरसी का बटन दो बार दबाओ, मेमोरी रिकॉल का बटन दो बार दबाओ, तो वो एम चला गया रहेगा अभी, पहले रहेगा तो वो चला गया रहेगा अभी। एमआरसी का बटन दबा, डबल प्रेस किए क्या आप? अब कैलसी ऑन करो, अभी कैलसी पे सिर्फ जीरो दिख रहा है और कुछ भी नहीं है, बराबर है? अब करो 5 × 7, वेट वेट, 5 × 7 किया आप, इक्वल टू का बटन मत दबाओ, डायरेक्ट एम प्लस का बटन दबाओ, 5 × 7 एम प्लस, एम प्लस किया मतलब ये 5 × 7 का आंसर मेमोरी में ऐड किया, मेमोरी प्लस मेमोरी में ऐड किया। अब करो 8 × 9 एंड डायरेक्ट एम प्लस का बटन दबाओ, एम प्लस का बटन मतलब एज गुड एज इक्वल टू का ही बटन है, सिर्फ वो क्या कर रहे हैं समझा, क्या मेमोरी में ऐड कर रहा है वो नंबर, तो 8 × 9 एम प्लस किए क्या आप लोग? उसके बाद 11 × 16 करो, 11 × 16 एम प्लस किए क्या आप लोग? एंड मेमोरी रिकॉल करो, मेमोरी रिकॉल 283 रहेगा, तो 283 इज द आंसर ऑफ दिस, समझा क्या बच्चों? तो अगर अदरवाइज आप कैसे करने वाले थे, 5 × 7 35, 8 × 9 72, 11 × 16 176, एंड फिर ये तीनों का टोटल 283 है या नहीं बच्चों? बट अभी आपने को डायरेक्ट मिला कि नहीं यहां पे, तो ये एम प्लस का बटन कैसे यूज करते, थोड़ा बहुत कुछ गया के दिमाग में? एम प्लस का बटन कैसे यूज करते, गया के दिमाग में कुछ? चलो मैं और एक कैलकुलेशन दे रहा हूं, यहां पे अपन सॉल्व करेंगे, बट सिर्फ ध्यान दो यहां पे, और बाद में घर पे कैलकुलेटर में क्या लेके जाने वाला हो क्या तुम्हारा, तुम्हारे पास ही है, बाद में अपन यूज कर सकते, ओके? अभी देखो तुम्हारे मोबाइल पे हजार, इससे कॉम्प्लिकेटेड हजारों फंक्शन रहेंगे, बट वो तुमको आते, बट कैलकुलेटर पे आते, बट इस मजा नहीं है ना, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले, कुछ फोटो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसके से इसमें आरएनडी कम पड़ रहा है ना थोड़ा अपना, मोबाइल पे मजा आता है ना थोड़ा, है कि नहीं? ओके हाँ, अभी आगे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 1.03 × 1.82 प्लस 3.53 × 18 माइनस 1.25 × 2, ओके अब बताओ चाहिए कैलकुलेशन करना है। चलो मैं बताता हूं कैसे करने का, मैं पहले से बताता हूं, आप सिर्फ सुनो, कुछ भी मत करो, सिर्फ सुनो बोला मैं आपको, इंस्ट्रक्शन समझते, सुनो, ध्यान दो, लिखो, ये सब समझते हैं? वेरी गुड। तो मैं अभी बोला सुनो, इट इज 1.03 × 1.82 मेमोरी प्लस 3.53 × 18 मेमोरी प्लस 1.25 × 2 मेमोरी माइनस, क्योंकि ये इसका प्रोडक्ट माइनस करना है, एंड मेमोरी रिकॉल विल बी आंसर। वापस एक बार सुनो, 1.03 × 1.82 मेमोरी प्लस 3.53 × 18 मेमोरी प्लस 1.25 × 2 मेमोरी माइनस, मेमोरी रिकॉल इज द आंसर। अब करके आंसर बताओ, 1.03 × 1.82 मेमोरी प्लस 3.53 × 18 एम प्लस 1.25
इनटू टू एम माइनस, मेमोरी रिकॉल, आंसर इज 62.9146 इज आंसर, 62.9146 इज द आंसर। समझा क्या बच्चों? पक्का? तो अब बता आपको ये m प्लस m माइनस के फंक्शन यूज करने आएगा क्या? आएगा क्या? अच्छा समझो, कल जाके आपको किसी ने ऐसे क्वेश्चन पूछा, सुन रहे हो क्या बच्चों, 18 स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर प्लस 92 स्क्वायर। सुनो तो बच्चों, सुनो। अच्छा सबसे पहले तो समझो, स्क्वायर करने का कैलसी पे तरीका होता है, इनटू करके डायरेक्ट इक्वल टू का बटन दबाए तो स्क्वायर आता है। आप करो कैलसी पे 18 इनटू इक्वल टू, इनटू करके डायरेक्ट इक्वल टू प्रेस करो, क्या आया 324, वो 18 का स्क्वायर है। अब सुनो ये कैसे करने का, अब मैं बोला सुनो, क्या बोला, 18 इनटू, अब देखो सुनो बोला तो भी कुछ लोग चालू हो गए इससे, देखो ना कितना मतलब, कितना आदमी ने एक्सप्लेन करना चाहिए। मैंने बोला सुनो, कान से सुनते, उंगली से नहीं, सुनते किससे, कान से, देखो आंखों से, उंगली से नहीं देख सकते अपन, भगवान ने वो टेक्नोलॉजी बनाई नहीं अभी तक, समझता है? ओके, तो मैं बोला सुनो, 18 इंटू एम प्लस, इक्वल टू करने की जरूरत नहीं, एम प्लस, 18 इंटू एम प्लस, तो डायरेक्ट 18 का स्क्वायर भी होगा और मेमोरी में ऐड भी होगा, 29 इंटू एम प्लस, 80 इंटू एम प्लस, 92 इंटू एम प्लस, या ऐसे भी चल सकता है 18 इंटू इक्वल टू एम प्लस, मतलब वो पहले कैलकुलेट होता है बाद में मेमोरी में जाता है, बट उसे अच्छा डायरेक्ट मेमोरी में डाल दो ना, 29 इंटू इक्वल टू एम प्लस, 80 इंटू इक्वल टू एम प्लस, 92 इंटू इक्वल टू एम प्लस, समझा क्या आपको ये? उससे बेटर क्या है, 18 इंटू एम प्लस, 29 इंटू एम प्लस, 80 इंटू एम प्लस, 92 इंटू एम प्लस, अब करो क्या आंसर है, 16029। हाँ अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कुछ लोगों को शायद आपको समझा नहीं होगा, कुछ कुछ लोगों का आंसर नहीं आ रहा है तो वो लगता है सर कुछ तो अजीब ही आ रहा है, तो सुन रहे हो क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि आपने पहले जब कैलकुलेशन किया था ना वो नंबर अभी तक मेमोरी में था और ये उसके ऊपर ऐड हो रहा है अभी, समझा क्या? तो आपने क्या करना चाहिए था, समझा क्या, नया कैलकुलेशन करने के पहले मेमोरी ब्लैंक करके लेना चाहिए था पहले वाला, तो आपने मेमोरी रिकॉल का बटन दो बार प्रेस करने का, तो मेमोरी पहले का ब्लैंक होता है। अभी बताओ, अभी आपके कैलसी पे इसमें लेफ्ट में एम दिखता रहेगा कि नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो मेमोरी में स्टोर है। अब एक काम करो, मेमोरी रिकॉल का बटन दो बार प्रेस करो, वो एम चला जाएगा, समझा क्या? तो अगर सुनो ध्यान से, कैलकुलेटर के मेमोरी में अगर ऑलरेडी कुछ स्टोर है तो कैलसी के स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड में एम ऐसे आता है, एंड अगर एम ऐसा नहीं आ रहा है मतलब मेमोरी ब्लैंक है, क्लियर है वो, समझा या नहीं? उसमें ऑलरेडी कुछ स्टोर नहीं है, इज दैट क्लियर? अब जैसे कि आपने 18 इंटू एम प्लस का बटन दबाते ही देखो आपके कैलसी पे लेफ्ट में एम आया रहेगा, मतलब मेमोरी में कुछ तो स्टोर हो गया, समझा क्या आपको ये? तो चलो अभी मैंने एक बेसिक चीजें कुछ बता दी है, उतना प्रैक्टिस करके आओगे कल आप, एटलीस्ट इसका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके आओगे, भाई एम प्लस कैसे यूज करते हैं, एम माइनस कैसे यूज करते हैं, उतना समझना चाहिए आपको, थोड़ा करो खुद भी उसमें कुछ प्रैक्टिस, करोगे बच्चों? तो आज जो भी अपन ने पढ़ा रिवाइज करेंगे क्या आप लोग? ये अदर देन दिस कैलकुलेटर शॉर्टकट अपन कुछ आज कोई ग्रेट चीज पढ़े क्या पहले? ओनली एक चीज नया पढ़े, दैट वाज कंपाउंडेड रेशियो। क्या पढ़े? कंपाउंडेड रेशियो। एंड रोज के रोज प्रैक्टिस करोगे तो काम आसान हो जाएगा बच्चों, है ना? सो शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? यस, थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।